कैसे हो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जिसे हम गुजराती में कहते हैं चेतातंत्र। तो इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से काम करता है हमारे शरीर के अंदर और किस तरह से जुड़ा होता है हमारी हर एक अंग के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक चीज़ जो होती है वो कि है नर्वस सिस्टम के तीन मेजर पार्ट्स होते हैं जिसमें बांटा गया है उसे। तो एक चीज़ होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स, जिसे हम गुजराती में कहते हैं मध्यवर्ती चेतातंत्र, परिधिवर्ती चेतातंत्र और संवेदनाग्राही अंगों। तीन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके पहले एक चीज़ हम जान लेते हैं कि नर्वस सिस्टम आखिर होती क्या चीज़ है। तो नर्वस सिस्टम, जैसे कि अगर आपको कहीं चींटी काटती है तो आपको कैसे पता लगता है कि चींटी ने यहाँ काटा। तो जब चींटी जब काटती है आपके शरीर पे, तो जो त्वचा होती है वहाँ से आपकी ब्रेन तक एक सिग्नल पहुँचता है। तो आपकी त्वचा से एक सिग्नल पहुँचता है, मैसेज पहुँचता है आपकी ब्रेन तक कि आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है, जिससे आपको ये पता लगता है कि आपको कौन सी जगह पे आपको दर्द। तो आइए शुरू करते हैं इसके पहले भाग के साथ, जो कि है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि मध्यवर्ती चेतातंत्र। तो इसमें एक चीज़ होती है जो कि है मगज, ब्रेन, जो कि इस चेतातंत्र का यानी कि नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है। दूसरी जो चीज़ होती है वो क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम गुजराती में कहते हैं करोड़ रज्जू। तो मगज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें तीन तरह के और पार्ट्स होते हैं मगज के, ब्रेन के, जो कि होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, जिसे हम गुजराती में कहते हैं अग्र मगज, मध्य मगज और पश्च मगज। तो अग्र मगज क्या चीज़ होती है, मैं गुजराती में एक बार समझा देता हूँ। ते मगजनो सौथी मोटो भाग छे, तेमा बोलवो, विचारवो, ओळखवो, याद राखवो जेवी क्रिया पर नियंत्रण राखवामां केन्द्रो आवेला होय छे। यानी कि ये दिमाग यानी कि मगज का सबसे बड़ा भाग होता है और ये हम जो बोलते हैं, चलते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, वो सब इसी मगज के अंदर सब चीज़ें होती हैं। दूसरा जो होता है वो होता है मध्य मगज, जिसमें तेमा हाथ, पग अने अन्य अंगों पर नियंत्रण तेमज शरीरनो संतुलन राखवामां केन्द्रो आवेला होय छे। यानी कि जो हम हाथ पैर जो चलाते हैं वो सब किस तरह से चलता है और कहाँ हमें चलाना है, वो सब चीज़ें मध्य मगज यानी कि मिड ब्रेन में होता है। तीसरा भाग आता है जो कि होता है हिंड ब्रेन, तेमा शरीरनी अनैच्छिक क्रियाओं जेवी के पाचन, श्वसन, हृदय धबको वगैरह पर नियंत्रण राखवामां केन्द्रो आवेला होय छे। यानी कि जो शरीर के अंदर के जो अंग चलते हैं, जो कि हम नहीं चला रहे, वो जो खुद से चल रहे हैं, वो सब होते हैं हिंड ब्रेन में यानी कि पश्चिम मगज में चलता है। जैसे कि हमारा जो हृदय है वो कितनी तेज से धबक रहा है, वो सब वो नर्वस सिस्टम के इस हिंड ब्रेन में होता है यानी कि पश्चिम मगज में होता है। दूसरी जो चीज़ होती है कि जो श्वसन यानी कि डाइजेशन हम जो कहते हैं इंग्लिश में, वो हमारे हाथों में नहीं होता, जो कि हमारे मगज के भाग में यानी कि पश्च मगज में चल रहा होता है। तो ये सब क्रिया पश्च मगज चलाता है। तो ये हो गई ब्रेन के तीन भाग जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक चित्र है जिसमें आगे का जो भाग होता है वो होता है अग्र मगज यानी कि फोर ब्रेन, बीच का जो भाग होता है उसे हम कहते हैं मिड ब्रेन, मध्य मगज और जो आखिरी में है वो है पश्च मगज। उसमें ऐसी क्रियाएँ होती हैं जो कि हमारे हाथों में नहीं होती। तो आइए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की दूसरा भाग देखते हैं जो कि है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या चीज़ होती है, जो कि हमारे पीठ पे पीछे होती है यानी कि जो कि बहुत लंबी थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। यानी कि नर्वस टिश्यू किस चीज़ से बना होता है,
नर्व सेल से बना होता है, यानी कि चेताकोष से बना होता है। गुजराती में कहूँ तो करोड़रज्जू नर्व पेशियों की बनेली लंबी पातली नड़ियों वालों रचना से। इसके बारे में हम आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्व सिस्टम का दूसरा भाग, जिसमें और तीन तरह की नर्व्स आती है। चेताएं आती है, जो कि एक होती है सेंसरी ऑर्गन्स, जिसे हम गुजराती में कहते हैं संवेदी चेताओं। दूसरा होता है प्रेरक चेताओं, जिसे हम कहते हैं मोटर नर्व्स। और तीसरा जो होता है वो मिश्र चेताओं, जिसमें आती है मिक्स नर्व्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चित्र है, ये किस किस का चित्र है? ये एक है नर्व सेल, यानी कि चेताकोष है, जो कि आप पहले पढ़ चुके होंगे या तो आगे पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ आती है संवेदी चेताओं, यानी कि सेंसरी नर्व्स। तो ये क्या चीज़ करती है? ते संवेदी अंगों माथी मगज सुधी संदेशों नु वहन करे छे, यानी कि हमारे पूरे शरीर में से जो भी सिग्नल मगज मगज यानी कि ब्रेन तक पहुंचा रही है। तो वो किन तरह की नर्व्स होती हैं? वो होती है सेंसरी नर्व्स। यानी कि अगर आपको अब अपना हाथ गर्म पानी में डालोगे, तो आपको के ब्रेन यानी कि मगज तक वो सिग्नल जो पहुंचा रहा है कि ये आपको गर्म लग रही है चीज़, वो कौन कौन सी नर्व काम करती है? सेंसरी नर्व्स काम करती है, यानी कि संवेदी चेताओं। दूसरी चीज़ आती है मोटर नर्व्स। तो ये संवेदी चेताओं का टोटली ओपोजिट है। जैसे कि सेंसरी नर्व्स क्या करता है कि वो हमारे पूरे शरीर में से जो भी संवेद यानी कि मैसेजेस, जो भी सिग्नल जो पहुंचा रहा है, वो हमारे मगज तक पहुंचा रहा है। और मोटर नर्व्स यानी कि प्रेरक चेताओं क्या करता है? जो हमारे मगज में से जो सिग्नल आते हैं, जो भी मैसेजेस आते हैं, जो क्या हमें आगे करना है, वो सिग्नल जो हमारे शरीर तक पहुंचा रहे हैं, हम उसे कहते हैं मोटर नर्व्स। अब जैसे कि आपने अपना हाथ गर्म पानी में डाला, तो आपका शरीर आपके दिमाग को ये मैसेज पहुंचाएगा कि आपको ये बहुत ज़्यादा गर्म लग रही है। फिर आपका ब्रेन क्या करेगा कि आपको ये सिग्नल देगा कि आप अपना हाथ वहाँ से हटा लो। इसलिए जब भी आप अपना हाथ पानी में डालोगे, तो आप अचानक से अपना हाथ पीछे ले लोगे, तो आपका हाथ जो पीछे आ रहा है वो सिग्नल मैसेज आपको कौन दे रहा है? ब्रेन दे रहा है। तो ये जो मैसेज आपके हाथ तक जिसने पहुँचा है, हम उस नर्व्स को क्या कहते हैं? मोटर नर्व्स कहते हैं। जो तीसरे प्रकार की जो चेता आती है, यानी कि मिश्र चेता आती है, जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप अगर अपना हाथ पानी में डाल रहे हो गर्म पानी में, तो आप तुरंत अपना हाथ फिर से पीछे ले लोगे। तो ये जो दोनों चीज़ें हो रही हैं, एक एक चीज़ जो कि शरीर से आपके दिमाग तक जो चीज़ पहुंचा रही है वो नर्व्स, वो सिग्नल या मैसेजेस, दूसरा जो आपके दिमाग से शरीर तक जो जा रही है चीज़ वो नर्व्स। तो ये जब दोनों एक साथ काम कर रही हो, तब वो कौन सी नर्व्स होती है? वो होती है मिक्स्ड नर्व्स, यानी कि मिश्र चेताओं, जिसमें दोनों प्रकार के काम एक साथ होते हैं। अब बात आती है तीसरे प्रकार के नर्व सिस्टम, यानी कि चेता तंत्र के बारे में, जो कि है सेंसरी ऑर्गन्स, जिसे हम गुजराती में कहते हैं संवेदना ग्राही अंगों। तो आपने आपको पता ही होगा कि इनमें कौन से ऑर्गन्स आते हैं, जो कि एक है टंग यानी कि जीभ, दूसरा होता है आई आँख ईयर यानी कि कान, दूसरा होता है त्वचा जो कि हमारी स्किन होती है, और पांचवा जो कि नाक जो कि नोज़ होता है। तो ये पांच प्रकार की मेन अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स। और भी कई तरह के होते हैं, पर आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कि मेन जो पांच जो जो चीज़ है वो हम अभी पढ़ेंगे। अब देख सकते होंगे कि पहला हम पढ़ेंगे जीभ के बारे में। तो जीभ क्या चीज़ है? जो कि एक मसल है एक तरह का, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो आपने
कभी ये सोचा है कि आप एक ही जीभ से हर तरह का टेस्ट कैसे ले ले पा रहे हैं? जो कि कोई चीज़ मीठी होती तो आपको पता लग जाती है कि ये चीज़ मीठी है, कोई कड़वी होती है तो आपको ये पता लग जाता है कि ये कड़वी है, कोई खट्टी चीज़ होती है तो आपको चखने से ये पता लग जाता है कि ये चीज़ खट्टी है, तो आपको पता चल रहा है ये चीज़ किस तरह से हो रही है। तो ये सब काम होता है टंग के कारण। तो इसमें जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो अलग अलग कलर किए गए हैं जीभ के ऊपर, जो कि है ग्रीन है, यहाँ पे जो आगे है वो स्वीट है, सॉल्टी, और जो जीभ के पीछे वाले भाग में होता है वो होता है बिटर। तो इसमें काम किस तरह से करता है ये चीज़, जैसे कि अगर आप कुछ मीठा चख रहे हो तो जो जीभ का आगे वाला भाग होता है वो चखता है अगर वो चीज़ मीठी है या नहीं। अगर आपको सौर यानी कि जो नॉर्मल सा लगे तो वो कहाँ पे आप देख सकते हो चख के, तो वो जीभ के पीछे वाले बाजू वाले भागों में आप उनसे पता लगता है कि ये चीज़ बहुत सौर है। अगर कोई चीज़ बहुत खारी लग रही हो, जैसे कि हम नमक चख रहे हैं, तो वो कैसे पता लगेगा? जो यहाँ पे आगे के जो दो भाग है सॉल्टी लिखा हुआ है, वहाँ से पता लगेगा कि ये चीज़ बहुत नमक जैसी चीज़ बहुत खारी है। तो एक बार मैं गुजराती में एक बार समझा देता हूँ आपको। जीभना जुदा जुदा दरेक भाग पर स्वादनी असर वधु अथवा ओछी अनुभवाय छे। खोराकना जुदा जुदा स्वाद परखवा माटे जीभमां जुदी जुदी स्वाद कलिका उनी आवेली होय छे। दरेक स्वाद कलिकामां विशिष्ट प्रकारना कोषो होय छे। आ कोषो स्वाद चेताओ साथे जोड़ाई मगजने स्वादनी संवेदना पहुँचाड़े छे। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ चखते हो तो आपको ये पता लग जाता है कि ये चीज़ खट्टी है, मीठी है, किस तरह की है, जो कि ये सब चीज़ें जो जिन कोषों से बनी हुई है जीभ, वो कोष से नर्व्स जुड़े होते हैं, यानी कि जो चेताएं जुड़ी होती हैं वो भी आपको मगज तक ये मैसेज पहुँचाती है कि ये चीज़ खट्टी है, मीठी है, या किस तरह की है। तो जीभ के अलग अलग भाग में अलग अलग तरह के कलिका होते हैं, यानी कि कोष होते हैं। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे आज, जो कि है आई यानी कि आँख के बारे में। तो आँख सबसे सेंसिटिव चीज़ होती है हमारे पूरे शरीर में। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं ये आँख, तो हम अगर हम ऐसे ही फिज़िकली देखें या तो आपको सिर्फ आगे का भाग दिखाई देगा, आँख का पीछे का भाग नहीं दिखाई देता। तो ये जो पूरा डायग्राम दिखाया हुआ है, अभी चित्र है, वो पूरी आँख का है। तो इसमें आप देख सकते हैं कितने तरह के भाग हैं इसके अंदर, जो कि ये चीज़ें बहुत छोटी होती हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो पहले जो ये आगे जो भाग आता है, स्क्लेरा जिसे कहा गया है, वो होता है पारदर्शक पटल। जो अंदर जो चीज़ होती है वो होती है कीकी, नेत्रमणि और पारदर्शक पटल। कनीनिका होता है और स्लियरी स्नायु होती है। और जो कि जो पीछे जो रेटिना दिखाया गया है, जो कि आँख के पीछे वाला भाग होता है, हम उसे कहते हैं नेत्रपटल। और इससे जो ऑप्टिक नर्व जो कि आँखों से बाहर निकल रही है वो होती है दर्शी चेता। तो आँख किस तरह से काम करती है, जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हो दूर दूर तक, तो आपको वो चित्र आपकी आंखों के पीछे एक तरह से फिर से बन जाती है, और उससे फिर चेता है ये पता लग जाता है कि आप क्या देख रहे हो और कितनी दूर है वो चीज़। वो मैसेज फिर आप वो मगज तक पहुंचा देते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कौन सी चीज़ है फिर से। तो ये जो आगे की चीज़ होती है, जो कि होती है प्यूपिल जैसे हम कहते हैं, कीकी, आपने ये भी देखा होगा कि आपके आँख के बीच में एक काला कलर का सर्कल होता है, जिसे हम कहते हैं नेत्रमणि, जो कि यहाँ पे होता है, इसमें बताया नहीं गया है।
दूसरी जो चीज़ होती है, जो कि मैंने कहा पारदर्शक पटल, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा मैंने कहा रेटिना, जिसे हम कहते हैं नेत्रपटल। दूसरा जो कि दृश्य चेता होता है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ऑप्टिक नर्व। और जो नेत्रमणि, जो कि हम बता रहे हैं, ये होती है नेत्रमणि। तो इसके बारे में हम जानेंगे हर एक के बारे में। तो पहली चीज़ होती है पारदर्शक पटल, यानी कि जो मैं कॉर्निया की बात कर रहा हूँ, जो कि ये चीज़ होती है। तो ये क्या चीज़ होती है? आँख ना दौड़ाना सोती, बाहर ना कांच जेवा पारदर्शक पदड़ने पारदर्शक पटल कहे छे। इसका काम क्या होता है कि वस्तु परती परावर्तित थईने आवता प्रकाश ने पसार करे छे। यानी कि जो हम चीज़ देख रहे हैं, वहाँ से जो भी किरण आ रही है, जो कि लाइट आ रही है, जो कि अंदर हमारा आँखों के अंदर जा रही है, वो किसके थ्रू जाती है? इस पारदर्शक पटल यानी कि कॉर्निया के थ्रू जाती है। तो उसका काम ये होता है। दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं जो कि होती है कीकी, जिसे कहा गया है यहाँ पे प्यूपिल। तो वो क्या चीज़ करती है? जो कि पारदर्शक पटलनी पाछड़ आवेला छिद्र ने कीकी कहे छे। यानी कि जो कॉर्निया की जो पीछे वाली चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं प्यूपिल यानी कि कीकी। उसका काम क्या होता है कि वस्तु परती आवता प्रकाश ने नेत्रमणि सुधी लई जाए छे। यानी कि जो कि किरणें हम देख रहे हैं, जो कि आ रही है लाइट रेज जो आ रही है, उसको कहाँ तक ले जा रही है? नेत्रमणि तक ले जा रही है। यानी कि जो कि बीच में जो चीज़ होती है, जिसे हम कहते हैं लेंस, वहाँ तक पहुँचाती है। दूसरा होता है आँख ना कनिनिका। कनिनिका क्या चीज़ होती है? जो कि आप देख पा रहे हो, जिसे हम आयरिस कहते हैं, जो कि जो लेंस होती है, यानी कि कीकी जो होती है, उसको उसके आगे जो भाग होता है, उसे हम कहते हैं आयरिस यानी कि कनिनिका। उसका काम क्या होता है? आँखना सफ़ेद भाग अने कीकी वच्चेनो भाग कनिनिका कहेवाय छे। ते विविध रंगोनी होय छे, जेम कि भूरी काली वगैरह। इसका काम क्या होता है? योग्य प्रमाण में नानी मोटी थई आँख में प्रवेश प्रकाशनु नियंत्रण करे छे। यानी कि कितनी मतलब कितनी किरणें हमारी आँखों के अंदर जानी चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है? यानी कि कौन करता है ये चीज़? जो कि होता है कनिनिका यानी कि आयरिस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो अगर आपने कभी देखा होगा, तो आपकी आंखें अंधेरे में, जो कि आयरिस यानी कि कनिनिका होती है, वो बड़ी हो जाती है। तो बड़ी क्यों हो जाती है? और आपने ये भी देखा होगा कि आप अगर धूप में जा रहे हो, तो अगर आप सूरज की तरफ देखोगे, तो आपकी आँखों की जो कनिनिका यानी कि आयरिस होती है, वो बहुत छोटी हो जाती है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि जब हम अंधेरे में होते हैं, तब हमें बहुत कम रोशनी दिखती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम देख पाए और समझ पाए कि कौन सी चीज़ कहाँ है, इसलिए हमारी आंखें बड़ी हो जाती है। यानी कि जो कि आयरिस और कनिनिका हम कहते हैं, वो जो कि बड़ी हो जाती है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी हमारे आँखों के अंदर जा सके। जब हम सूरज की तरफ देखेंगे, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा किरणें आएंगी हमारे आँखों के अंदर, जो कि हमें डैमेज कर सकती है, जो कि हमारी आँखें बिगाड़ सकती है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, जिससे कम से कम रोशनी हमारे आँखों के अंदर जा सके। तो ये काम किसका होता है? आयरिस का होता है, यानी कि कनिनिका का होता है। नेत्रमणि, तो ये क्या चीज़ होती है? कीकीनी पाचड़ नरम नरम पदार्थनी बहिगोड़ लेंस जीवी रचना ने नेत्रमणि छे। इसका काम क्या होता है कि नेत्रमणि वाड़े प्रकाशना किरणों ने वक्रीभवन थी वस्तुनों प्रतिबिंब नेत्रपटल पर पड़े छे। यानी कि जो ये नेत्रमणि, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में लेंस कहते हैं, ये क्या चीज़ करती है कि जो भी रोशनी या किरण आ रही है, उसको लेके वो अपने जो पीछे रेटिना यानी कि नेत्रपटल है, उस पर ये पूरी चित्र बनाती है,
जिससे हमें ये पता लगे कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं और वो चीज़ कितनी दूर है। तो ये काम किसका होता है? नेत्रमणि का होता है, यानी कि लेंस का। और आखिरी में जो चीज़ आती है वो की होती है नेत्रपटल, संवेदी कोश, दृष्टि चेटा। तो ये क्या क्या चीज़ होती है? नेत्रपटल ये आँखनी अंदरना भागमा आवेल संवेदनशील अंग छे, जेमा प्रकाश संवेदी कोषो आवेला हुई छे। इसका काम क्या होता है? नेत्रपटल पर वस्तुनु प्रतिबिंब झीलाय छे। नेत्रपटल मा आवेल प्रकाश संवेद कोष द्वारा अनुभवती संवेदन दृष्टि चेता द्वारा मगजने पहुँचे छे अने आपने जोई शकीए छे। यानी कि हम जो भी चीज़ जो देख रहे हैं वो कहाँ पे वो प्रेजेंट होती है, यानी कि कहाँ पे वो दिखती है हमें, तो हमारे आँखों के अंदर नेत्रपटल पे दिखती है, यानी कि रेटिना पे दिखती है। फिर वो चीज़ हमारे दृष्टि चेता यानी कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे दिमाग तक पहुँचती है कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं। तो ये पूरी कहानी हुई आँख के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे कान के बारे में। तो कान में तीन भाग होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल ईयर यानी कि ब्राह्मकर्ण, दूसरा होता है मिडल ईयर यानी कि मध्यकर्ण, और इंटरनल ईयर यानी कि अंतकर्ण। तो जो सबसे बाहरी भाग होता है वो होता है ब्राह्मकर्ण यानी कि एक्सटर्नल ईयर। वो क्या चीज़ करते हैं? क्योंकि हर एक तरह तरह की आवाज़ हमारे कानों यानी कि मिडल ईयर यानी कि मध्यकर्ण तक पहुँचाता है। मध्यकर्ण में तीन एक चीज़ होती है ईयर ड्रम, जिसे हम कहते हैं कान का पर्दा। फिर उसके बाद आती है तीन सबसे छोटी हड्डियाँ जो कि हमारे पूरे शरीर में होती है। सबसे छोटी हड्डियाँ तीन हड्डियाँ होती है, जिसे गुजराती में अगर कहूँ तो एरन, हथौड़ी और पेंगड़ू। फिर आती है इंटरनल ईयर यानी कि अंतःकरण में, जो कि होती है शंखिका और कर्णचेता, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑडिटरी नर्व। तो ये जब आवाज़ आउटर ईयर यानी कि ब्राह्मकर्ण से मध्यकर्ण तक आती है, फिर मध्यकर्ण में जब ईयर ड्रम यानी कि कान के पर्दे पे जब वो छूती है, तब वो वाइब्रेशन यानी कि हम जैसे गुजराती में कहते हैं ध्वनि, तरंगों जब उससे छूती है तब वो ध्रुति यानी कि वाइब्रेशंस फैलती है, जिससे हमारे वो कान के वो हड्डियों के छूकर से हमारे इनर ईयर यानी कि अंतःकरण तक पहुंचती है। फिर वहाँ से जब शंखिका में वो आवाज़ पहुंचती है, फिर वो उसको कर्ण चेता के द्वारा हमारे दिमाग तक पहुंचाती है, तब जाके हमें वो आवाज़ सुनाई देती है। और किस तरह की आवाज़ है वो भी हमें तभी पता चलती है। यानी कि जब आप बहुत ही ऊंची आवाज़ सुनते हो, तब ये जो वाइब्रेशन यानी कि जो हमारे कान के पर्दे बहुत ज़्यादा दुरुस्त हैं, जिसके कारण हमें ये पता लगता है कि जो आवाज़ हम सुन रहे हैं वो कि जो कि बहुत ज़्यादा ऊंची है, और जो कि आवाज़ बहुत धीमी हो वो कैसे पता लगती है? जब हमारे कान के पर्दे जो कि बहुत ज़्यादा कम से दुरुस्त है, यानी कि बहुत कम वाइब्रेशंस होते हैं उसके अंदर, जैसे हमारे दिमाग को ये पता लगता है कि आवाज़ जो कि हम सुन रहे हैं वो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो ये हो गया कान। अब पांचवी जो चीज़ होती है वो की है स्किन यानी कि त्वचा। तो ये क्या काम करता है? जैसे कि मैंने कहा आपको सबसे पहले कि जैसे कोई चींटी अगर हमें काट रही है तो हमें कैसे पता लग रहा है, तो उसका काम वो काम होता है त्वचा का, जो कि जो भी जिस तरह के भी जो सिग्नल्स होते हैं वो कि नर्व्स के थ्रू हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हो कि अगर आपको कोई छूता है, या तो अगर आप गर्म पानी में हाथ डाल रहे हो, या आप कुछ ठंडा चीज़ पकड़ रहे हो, तो आपको किस तरह से ये सब चीज़ें पता लगती, जो कि एक होती है त्वचा। तो ये त्वचा ये पता लग ये मैसेज यानी कि हमारे दिमाग तक पहुंचाती है कि आप क्या चीज़ छू रहे हो, या तो क्या चीज़ आपको गर्म लग रही है, तो क्या क्या चीज़ आपको ठंडी लग रही है। तो ये
काम किसका होता है, हमारी त्वचा का होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म होती है। अब जो कि दूसरा भाग है इसी चैप्टर का, जो कि है अंतःस्रावी तंत्र, जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए मैं एक वर्कशीट दूंगा इसके बाद, जो कि आपको करनी है। जितना भी मैं चीज़ें इसमें समझाई है उसी पर से मैं एक वर्कशीट दूंगा, पेपर दूंगा, जो कि आपको करना है। तो इसमें से अगर आपको कोई भी चीज़ अगर पता लगानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और एक और जो चीज़ होती है, जो कि होती है नाक, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं उससे पहले। तो इनमें एक अलग तरह के कोश होते हैं, जो कि होते हैं ऑल्फैक्टरी सेल्स, यानी कि जिसे हम गुजराती में कहते हैं धारणा कोश। तो इनके कारण क्या होता है कि हम जो भी चीज़, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को हम सूंघ रहे हैं, तो हमें कैसे पता लग रहा है कि वो उसकी गंध बहुत ज़्यादा गंध है या बहुत ज़्यादा सुगंध है। तो वो चीज़ काम करती है कोश। तो ये हमें हमारे दिमाग तक ये मैसेज या तो सिग्नल पहुंचाती है कि जो कि हम गंध ले रहे हैं वो किस तरह की है। तो वो काम कौन सा करता है, धारणा कोश करते हैं, यानी कि ऑल्फैक्टरी सेल्स करते हैं। और आपने देखा होगा कि आपकी जो नाक के अंदर की त्वचा होती है वो हमेशा गीली रहती है, और आपके नाक के अंदर जो कि जो बाल होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो बाहर से आने वाली कोई भी चीज़ को रोक ले अंदर जाने से पहले। और जो हमारे नाक के अंदर जो कि त्वचा जो होती है, जो कि किन कोश से बनी होती है, धारणा कोश से बनी होती है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मैं इसके लिए वर्कशीट आपको भेज दूँगा व्हाट्सएप के थ्रू, और इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।